साथियों, राजस्थान बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 11वीं के लिए आज हम पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हो ये आपका क्वेश्चन पेपर है और ये जो पेपर है आपका राजनीति विज्ञान का 100 नंबर का रहेगा। इसमें पहला प्रश्न क्या है, भारत के राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, तो वो बताना हमें, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा या फिर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या फिर गृह मंत्री द्वारा। तो इसमें बिल्कुल है ना, राष्ट्रपति द्वारा ना राज्यपाल की नियुक्ति है वो की जाती है भारत के राज्यों में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका अगला, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश संविधान द्वारा ग्रहण किया गया, तो किसे किया गया है, मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार तो है ना ब्रिटिश है वो नहीं लिए गए थे, ये तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे, है ना। और तो ये तो होगा नहीं, सरकार का संसदीय स्वरूप ये भी नहीं है आपका। और उसके बाद है अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत और अर्ध शक्तियों का सिद्धांत, तो बिल्कुल इसमें आपका जो है ना बहु ऑप्शन हो जाएगा ना, वो सरकार का संसदीय स्वरूप ये है ना, ये ब्रिटिश संविधान द्वारा है वो ग्रहण है वो किया गया था, तो बहु ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही एकदम। नेक्स्ट आपका तीसरा, भारत में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम कितने वर्ष होना चाहिए, ये स्टूडेंट सभी को पता होगा कि 25 वर्ष है वो आयु होनी चाहिए भारत के लोकसभा में चाहे चुनाव में खड़े हो या फिर विधानसभा चुनाव में खड़े हो। ठीक है, तो उसमें उम्मीदवार की आयु है वो 25 वर्ष है वो होनी चाहिए, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चौथा, आधुनिक काल में सबसे पहले किस विचारक ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है, तो किसने है वो सिद्ध है वो किया था, तो बिल्कुल आपका जो इसमें ऑप्शन देख लीजिए एक बार, हॉब्स, लॉक, रूसो, जे एस मिल, तो बिल्कुल इसमें आपका जो ऑप्शन है सौ ऑप्शन है ना रूसो राइट आंसर हो जाएगा। और रूसो का पूरा नाम मैं आपको बता रहा हूँ, रूसो का पूरा नाम पूछ लिया जाए, आपको पूछ लिया जाए तो आपके पास जीन जैक्स रूसो, जीन जैक्स रूसो। ठीक है, और अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, और उससे पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सीधा जाकर सर्च कर लेना राजस्थान बोर्ड न्यूज टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस व्यक्ति के आत्मकथा का शीर्षक है, तो किसका है, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑग सॉन सू की। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल ऑप्शन है नेल्सन मंडेला है वो राइट आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन इनकी आत्मकथा का शीर्षक है वो था। ठीक है, और अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, और शीर्षक पूछ लिया जाए कि भाई शीर्षक है वो क्या था, तो आपको याद रखना लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट है आपका अगला, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, मेयर, महापौर, सभापति, अध्यक्ष या फिर सरपंच। ठीक है, तो नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं ना उनको मेयर हैं वो कहा जाता है, महापौर हैं वो कहा जाता है, तो बिल्कुल इसमें ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह बने रहेगा, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है और हेल्प भी होगी आपकी, ऐसे नहीं कि नहीं होगी। अगला, निम्न में से किससे हमने एक जीवन दस्तावेज है माना, तो किसे माना है, संविधान को, संविधान संशोधन को, आरक्षण को या फिर मूल कर्तव्यों को, तो इसमें ऑप्शन हमने पूरे देख लिए, तो इसमें बिल्कुल संविधान को है ना एक जीवन दस्तावेज हमने माना है, तो ओ ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, अनुच्छेद 300 अगर चित्र पूछता हमें तो हम क्या बताते, जम्मू कश्मीर बताते। ठीक है, लेकिन हमें बताता है पूछा है कि 371 है वो विशेष दर्जा प्रदान किया गया, तो किसको प्रदान किया गया, नागालैंड, बिल्कुल आपका जो वो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 370 पूछता तो हम क्या बताते, जम्मू कश्मीर है वो राज्य को बताते। ठीक है, इनको विशेष दर्जा प्राप्त था। ठीक है, लेकिन अब नहीं है। नेक्स्ट आपका अगला, धर्मनिरपेक्षता का मतलब सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण है, ये विचार है वो किसने दिया था, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपके ईयरली एग्जाम में। अभी आप काफ़ी सारे जिले में के पेपर देखना राजनीति विज्ञान के, उसमें 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 3 से 4 जिलों में, है ना। इसमें ऑप्शन है अ है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन है वो दिया था कि सभी धर्मों को राज्यों के द्वारा समान संरक्षण यह विचार है वो दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला, शांति के बजाय युद्ध का गुणगान करने वाला विचारक था कौन था, फ्रेडरिक नीत्से, विल्फ्रेडो पेरेटे और आर्थर लुक और खमेर रुज। तो इसमें है ना ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फ्रेडरिक नीत्से, है ना, तो बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, और ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन है वो 10 नंबर के थे, अब है 9 खाली जगह दी होगी आपको, खाली जगह हमारी संसद का स्थायी सदन है, तो हमारे संसद का स्थायी एक तो आपको पता है लोकसभा होता है और एक राज्यसभा। ठीक है, तो स्थायी सदन है वो कौन सा होती है, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा को भंग है वो नहीं किया जा सकता, ये बात है आपको क्या रखनी है, याद में रखनी है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता करता है, तो किसकी अध्यक्षता है वो करता है, तो इसमें बिल्कुल है कमेंट बताओ इसका आंसर फटाफट से,
बता दो इसका आंसर बाद में बता दूंगा। नेक्स्ट है आपका तीसरा, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, कौन है व्यक्ति के अधिकारों की है वो रक्षा करती है, तो बिल्कुल इसमें आपका ना सरकार हो जाएगी, क्या हो जाएगी यहाँ पर आपका ऑप्शन है सरकार है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला, भारतीय संविधान औपचारिक रूप से खाली जगह को लागू किया गया, तो कब लागू किया गया था ये सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला, हमारा संविधान के लिए प्रतिबद्ध है, तो किसके लिए है हमारा संविधान है वो प्रतिबद्ध है, ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है संघात्मक और एकात्मक शर्तों को पूरा करने के लिए, किसके लिए संघात्मक और एकात्मक शर्तों को पूरा करने के लिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ संघात्मक और एकात्मक, आगे तो आप लिख सकते हो शर्तें वगैरह वो, ठीक है, पूरा करने के लिए, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, इसमें थोड़ा यहाँ पर सही क्वेश्चन पेपर है नहीं भेजा, क्या करें हम, महात्मा गांधी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है वो कौन सी है, तो हिंद स्वराज सभी को पता है, ठीक है। अगला है का अधिकार कामगारों के लिए विशेष महत्व का है, तो कौन सा अधिकार धर्मनिरपेक्ष, ये तो आपका यहाँ पर नहीं होगा, इसमें जो ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा आपका श्रमिक अधिकार, कौन सा देगा श्रमिक अधिकार कामगारों के लिए विशेष महत्व का है, ठीक है हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एर्थ, दिल्ली में आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड का प्रतीक है, तो किसका प्रतीक है ये बिल्कुल संविधान का प्रतीक है, किसका प्रतीक है संविधान का, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में जाएगी आप डाउनलोड कर लेना आपको अच्छे से दिख जाएगा। नेक्स्ट है संपर्क देखता का दक्षिणी ऐसे प्रतिरूप माना जाता है, किसका माना जाता है, तो इसमें इसका आंसर है मुझे नहीं मिला, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, सरदार सरोवर बांध परियोजना का संबंध नदी से है, तो किस नदी से है याद रखना मेरे स्टूडेंट नर्मदा नदी से, ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका तिलगुरातम प्रश्न, दो नंबर के क्वेश्चन है, संसाधनात्मक शासन व्यवस्था से आप हैं वो क्या समझते हैं, संसाधनात्मक शासन व्यवस्था ना उसके बारे में बताना है, तो संसाधनात्मक शासन प्रणाली उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें कार्यपालिका का प्रधान है ना क्या होता है प्रधानमंत्री होता है, बहुत ही आसान परिभाषा से है, ठीक है लिख दोगे। नेक्स्ट है आपकी अगली, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से क्या आशय है, तो स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं, नागरिकों का अपने ऊपर का स्वयं का शासन अर्थात लोगों की अपनी शासन व्यवस्था को ही स्थानीय स्वशासन है वो कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए कितने हैं वो तरीके अपनाए गए, तो मैं बता रहा हूँ तीन तरीके, ठीक है कितने तरीके, तीन तरीके, दो तरीके तो है ना आपके अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हैं और बाकी जो एक तरीका है ना वो 368 के अंतर्गत नहीं है, ठीक है ये आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा जानकारी बता रहा हूँ। अगला है आपका स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, तो स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ क्या है, बंधनों का अभाव, क्या हो जाएगा बंधनों का अभाव क्या हो, या फिर आप और कुछ भी कह सकते हो जैसे अपनी इच्छा के अनुसार है वो कार्य करना, ठीक है ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका अगला कौन सा क्वेश्चन है, ये समानता के दो आयाम लिखे, समानता के दो आयाम लिखने हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, एक राजनीतिक समानता, राजनीतिक, और एक लिख सकते हो सामाजिक समानता, सामाजिक समानता, ठीक है, और लिखना चाहो आर्थिक समानता लिख सकते हो, और लिखना चाहो तो कानूनी समानता लिख सकते हो, ये चार आयाम है वो लिख सकते हो, दो आयाम पूछे हमने वैसे, ठीक है दो नंबर के क्वेश्चन है आराम से लिख दोगे। नेक्स्ट है आपका अगला कौन सा है, इर्थ, स्थानीय शासन को किस संविधान संशोधन के बाद मजबूत आधार है वो प्राप्त हुआ, तो कौन सा 74वां होगा, या ठीक है 74वां होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पारस्परिक निषेध शब्द का क्या अर्थ है, दसवां, इस पीडीएफ को आप आगे देख लेना क्योंकि इसमें बहुत ही आपको कुछ भी है वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है स्टूडेंट ने ऐसे भेजी है क्या करें अब, परंतु करवा रहे हैं हम आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके अगला पारस्परिक निषेध शब्द का क्या अर्थ है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के कोई दो आलोचना है वो लिखनी है, मानवता ने शांति को मैं तो कैसे जाना, विकास की धारणा को तेजी से प्रसार होना कब प्रारंभ हुआ, अगले है आपके लघुरतम प्रश्न, ठीक है अब इनको देख लेना आप, ठीक है आगे तो कुछ है नहीं खास, और बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगी, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।